रायगढ़ विधायक प्रकाश नायक आज छातामुड़ा में विभिन्न विकास कार्यों के भूमि पूजन के लिए पहुंचे थे, जहां स्थानीय लोगों द्वारा विधायक प्रकाश नायक का भव्य स्वागत किया गया। वहीं इस अवसर पर रिटायर्ड शिक्षक दीनदयाल पटेल ने स्कूल के लिए अपने करोड़ों के जमीन को दान कर दिया। रायगढ़ विधायक प्रकाश नायक आज छातामुड़ा में विभिन्न निर्माण कार्यों का भूमि पूजन करने पहुँचे। छातामुड़ा में सड़क व स्कूल भवन का भूमि पूजन के लिए आज रायगढ़ विधायक के पहुँचने पर स्थानीय निवासियों द्वारा उनका भव्य स्वागत किया गया। आज के भूमि पूजन का विशेष महत्व रहा, क्योंकि इन कार्यक्रमों में एक ऐसा दानवीर शामिल रहा जिसने अपने स्वामित्व की 1.25 एकड़ जमीन स्कूल भवन के निर्माण के लिए दान में दे दी है। रायगढ़ नगरी दानदाताओं की नगरी है, यह जनहित के कार्यों में आर्थिक भागीदारी निभाने वालों की कोई कमी नहीं है। ऐसे ही एक दानवीर शिक्षक दीनदयाल पटेल ने स्कूल निर्माण के लिए अपना अमूल्य योगदान दिया है। लगभग 75 वर्षीय दीनदयाल पटेल निसंतान हैं और उनके इस फैसले में उनकी पत्नी ने उसका पूरा साथ दिया है। सरकारी स्कूल में शिक्षक के रूप में सेवाएं दे चुके दीनदयाल पटेल का छात्रों के प्रति विशेष लगाव है। छात्रों के हितों को ध्यान में रखते हुए हाई स्कूल भवन के लिए सरकारी जमीन उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में उन्होंने अपनी निजी स्वामित्व की भूमि, जिसका अनुमानित बाजार मूल्य 1,25,00,000 रुपए है, स्कूल भवन निर्माण के लिए दान में दी है। आज दीनदयाल पटेल व उनकी धर्मपत्नी ने उक्त स्थान पर विधिवत भूमि पूजन किया। स्कूल भवन के भूमि पूजन कार्यक्रम में विधायक प्रकाश नायक, सभापति सलीम नियरिया व अन्य स्थानीय जन प्रतिनिधियों के साथ गांव के रहवासी व स्कूल के शिक्षक व छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। जमीन खोज रहे थे यहाँ हाई स्कूल के प्रिंसिपल लोग की, यहाँ पर हाई स्कूल के लिए नया जमीन चाहिए, ये तो प्राइवेट स्कूल चल रहा है तो सरकारी स्कूल चलने के लिए जगह चाहिए, तो मीटिंग में मुझको ही बुलाया गया था। मैंने बताया कि मेरे पास जमीन है, मैं 1 एकड़ जमीन दे सकता हूँ, तो 1 एकड़ जमीन मैं भूमि दान किया हूँ। बच्चों के लिए बहुत बड़ा दान किया है आपने, कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है कि बच्चे आगे पढ़ करके, हाँ, जो दूर दूर पढ़ने जाते थे यहीं पढ़ के पास हो जाएंगे और आगे जैसे अच्छा नंबरों में पास होंगे, रिजल्ट अच्छा निकलेगा तो यहाँ पर हायर सेकेंडरी स्कूल भी घुस सकता है 11वीं 12वीं, हाँ उसके लिए भी थोड़ा जमीन दे सकता हूँ मैं। ये बहुत दिनों की हमारे डॉक्टर शक्रजीत नायक जी रहे, उस समय हमने आवेदन प्रस्तुत की थी और उन्हीं के द्वारा आवेदन पहले फाइल की गई थी और उसका होके आज अपन भूमि पूजन के लिए प्रकाश भैया उपस्थित हुए थे, जिसमें हमारे यहाँ के शिक्षाविद गोटिया गुरु जी हैं जो अपनी भूमि 1 एकड़ 25 डिसमिल दान में दिए हैं बिल्डिंग बनाने के लिए, और आज बहुत ही हमारे गांव के लिए गौरवान्वित का विषय है और गरीबों का स्कूल बन रहा है यहाँ, बच्चे किसी को कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है, एक त्यौहार जैसा माहौल बना हुआ है जी। आज ये शुरू में एक टिकरा पाड़ा में शीश झलक का भूमि पूजन किए हैं, उसके बाद हाई स्कूल का भूमि पूजन हुआ है और हाई स्कूल भूमि पूजन में एक विशेष बात ये रही कि छात्रमोरा गांव में जमीन की कमी है और गांव के गौटिया गुरु जी बोलते हैं, जो गुरु जी रहे हैं और उनको बच्चों से बहुत प्यार है, उन्होंने अपनी स्वामित्व की 1 एकड़ 25 डिसमिल जमीन दान की है, साथ में सड़क के लिए भी जमीन उन्होंने दान किया है और ये कि यह बड़ा उपलब्धि कहेंगे और एक बड़ा कदम मानेंगे गौटिया गुरु जी का, सब लोग हमेशा आभार रहेंगे कि उन्होंने अपने गांव के बच्चों को की शिक्षा के लिए अपनी भूमि दान दी है। उसका उद्घाटन हुआ, लगभग 73 लाख के राशि से ये भवन बनेगा और 7-8 महीने में ये भवन पूरा होना है। रायगढ़ से सुरजीत कौर की रिपोर्ट, ACN 24।